हेलो फ्रेंड्स, आई एम भारती। वेलकम टू नंबर वन साइंस क्लास। आप इस चैनल पे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे डेफिनेशन, यूजेस, नेसेसिटीज, लग्जरीज, कन्वेंशनल नेसेसिटीज। ये जो टॉपिक है वो काम आता है BSc के लिए, MSc के लिए और जो प्रिपेयर कर रहे हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की, डेफिनेशन ऑफ डिमांड। डिमांड मतलब क्या होता है? हम अगर रफली देखा जाए तो डिमांड क्या होता है कि अपने को वो चीज़ चाहिए, ठीक है, हम उस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, मतलब अपने को वो चीज़ चाहिए, हम उसको खरीदना चाहते हैं। तो विच वन रिक्वायर टू विलिंग टू अक्वायर अ गिवन प्राइस, ये हो गई उसकी डेफिनेशन। अगर हम डिमांड को देखेंगे तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, ठीक है, कि अगर हम डिमांड को देखेंगे तो हम अपने को वो चीज़ चाहिए तो ठीक है, अपने अपने पास वो कमोडिटी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, फिर अपने पास विलिंग चाहिए, मतलब अपने को एक अंदर से इच्छा चाहिए कि वो खरीद सकते हैं। जैसे ये अगर अपने को अगर किसी कमोडिटी महंगी कमोडिटी है तो हम उसको खरीदने के लिए एक अच्छी इच्छा शक्ति जागृत करेंगे कि हम उसको खरीदेंगे, नहीं तो क्या होता है कि वो महंगी है तो इसलिए अपना मन बन जाता है कि हम उसको खरीदने के, पर अपने पास पैसा होने के बावजूद भी हम उसको खरीद नहीं सकते क्योंकि अपने पास अपने की अंदर से अपने को एक ऐसी इच्छा नहीं होती कि अपने को वो चाहिए, ठीक है। तो इसलिए डिमांड मतलब क्या होता है कि अपने को एक अंदर अपने को वो चीज़ खरीदने के लिए, वो कमोडिटी खरीदने के लिए विलिंग चाहिए, विलिंग टू अक्वायर अ गिवन प्राइस, मतलब अपने को वो प्राइस देने के लिए अपने पास पैसे चाहिए, फिर अपनी डिमांड चाहिए कि अपन उसको वो खरीद सकें, फिर हम उसको क्यों खरीद रहे हैं वो सब। जैसे कि यहाँ पे देखा है कि वेरियस फैक्टर्स को कमोडिटी डिपेंड्स करती है, जैसे कि ओन प्राइस, इसकी उसकी ओन प्राइस क्या है, उस कमोडिटी की प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी बाकी की कमोडिटी की प्राइस क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उस कंज्यूमर की इनकम क्या है कि सच में वो कमोडिटी खरीदने के लायक है या नहीं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कि उसके लिए वो बहुत ज़्यादा महंगी है कि बहुत ज़्यादा सस्ती है, ये सब, ठीक है। ये हो गए डेफिनेशन। अभी हम बात करेंगे यूजेस की, कि यूजेस ऑफ डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस किसके लिए यूजफुल है, क्यों यूजफुल है, इंपॉर्टेंट क्यों है, कि गवर्नमेंट टू कंट्रोल द प्राइजेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटी। गवर्नमेंट के लिए यूजफुल है क्योंकि प्राइजेस ऑफ कंट्रोल क्या करता है, प्राइजेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटी के प्राइजेस को कंट्रोल करता है एंड टू मेंटेन ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द मार्केट। जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उनको मेंटेन करने के लिए डिमांड एनालिसिस यूजफुल है। फिर नेसेसिटीज क्या है, नेसेसिटीज मतलब जो ऐसे गुड्स और कमोडिटीज जो अपने प्राइमरी जो वॉन्ट्स है, मतलब प्राइमरी जो अपनी ज़रूरत है उसको पूरा करता है, उसको हम कहते हैं नेसेसिटीज़, जो अपने को एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरत है उसकी। जैसे कि हेल्थ, हेल्थ स्ट्रेंथ एंड इफिशेंसी ऑफ द वर्क आर टर्म एज नेसेसिटीज़। यहाँ पे इफिशेंसी आई थी, एग्जांपल फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एक्सेट्रा। जैसे कि हम अगर देखा जाए तो जो रहता है रोटी, कपड़ा, मकान, वो अपने के लिए क्या है, यूजफुल है जीने के लिए। वही यहाँ पे दिया है कि नेसेसिटीज जो अपने को जीने के लिए यूजफुल है वो हो गए नेसेसिटी, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग। फूड के बिना हम रह नहीं सकते, क्लोथिंग और हाउसिंग एक्सेट्रा, ठीक है, ये हो गए नेसेसिटीज। फिर लग्जरियस क्या रहती है, लग्जरियस मतलब जो कि प्राइमरी नहीं है, हम उसके सिवाय रह सकते हैं पर अपना एक स्टेटस का सिंबल रखने के लिए, मतलब हम ऐसे ही पार्ट ऑफ अ स्टेटस सिंबल के लिए हम उसको रख सकते, हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि एज टर्म एज लग्जरियस, जैसे कि रिफाइंड क्लॉथ सच एज सिल्क, लिक्वर, सिगरेट, ये हो गए लग्जरियस। जैसे कि कार, ये जो हो गई जो जीने मतलब एग्जिस्टेंस के बाहर, नॉट नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस बट आर पार्ट ऑफ अ स्टेटस सिंबल, ये यहाँ पे दिया है। एग्जिस्टेंस के लिए वो जरूरी नहीं है पर वो स्टेटस के सिंबल के लिए वो जरूरी है, इसलिए हम उसको लग्जरियस कहते हैं। फिर कन्वेंशनल नेसेसिटीज क्या है, कन्वेंशनल नेसेसिटीज मतलब ऐसी कमोडिटीज जो प्राइमरी बॉन्ड्स नहीं है, प्राइमरी जो है अपनी जरूरत है वो उसको वो नहीं है, बट क्या है कि अपने को वो क्यों चाहिए, कि कन्वेंशन ऑन हैबिट्स, अपने कन्वेंशन ऑन हैबिट्स के लिए चाहिए, जैसे कि विदाउट विच वन मे नॉट लिव हैप्पीली, जिसके बिना हम खुशी खुशी नहीं रह सकते, एंड द गुड्स विच सेटिस्फाई देम आर कन्वेंशनल नेसेसिटीज, और ऐसी चीज़ें जो हमारी कन्वेंशनल नेसेसिटीज को पूरा कर सके, इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल नेसेसिटीज। ये हो गया कंप्लीट आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कंसेप्ट ऑफ डिमांड एनालिसिस, जिसमें हमने देखा डेफिनेशन ऑफ डिमांड की डिमांड क्या होती है, फिर यूजेस ऑफ डिमांड एनालिसिस कहाँ पे होता है, कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इसेंशियल प्राइजेस कमोडिटीज की, फिर नेसेसिटीज क्या रहती है जो अपने को एग्जिस्टेंस के लिए जो प्राइमरी चीज़ें हैं, प्राइमरी कमोडिटीज़ हैं वो नेसेसिटीज रहती हैं, फिर लग्जरियस क्या रहती है,
जो प्राइमरी चीज़ें नहीं है, मतलब प्राइमरी कमोडिटी नहीं है, पर वो स्टेटस के सिंबल के लिए पार्ट ऑफ अ स्टेटस सिंबल, उसको हम लग्जरियस कहते हैं। फिर कन्वेंशनल नेसेसिटीज़ क्या है कि वो प्राइमरी कमोडिटी नहीं है, पर वो अपने हैबिट के लिए, मतलब अपन उस हम उसके सिवा नहीं रह सकते खुशी खुशी। वन मे नॉट लिव हैप्पीली एंड गुड्स विच सेटिस्फाई देम, जो अपने सेटिस्फाई करते हैं अपने हैबिट को, उसको हम कन्वेंशनल नेसेसिटीज कहते हैं। ये हो गया कंप्लीट आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड एनालिसिस, जिसमें हमने देखा डेफिनेशन, यूजेस, नेसेसिटीज, लग्जरियस, कन्वेंशनल नेसेसिटीज। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन लीजिए। थैंक यू।